हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपस किचन। आज का रेसिपी टेस्टी क्रिस्पी आलू की कचौरी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू की क्रिस्पी कचौरी बनाने के लिए एक कप मैदा लिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, फिलिंग्स के लिए दो बॉयल पोटैटो, दो चम्मच ग्रीन पीस ऑयल यूज करूंगी, ड्राई मसाला में आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, एक इंच जिंजर, दो ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखा, आधा चम्मच जीरा, नमक, अजवाइन हाथों से ऐसे क्रश करके ऐड करने का और दो चम्मच ऑयल अच्छी तरह से पहले मैदा में मिक्स कर लेने का। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और एक डो बना लूंगी। अच्छी तरह से मल के सॉफ्ट डो बना लिया, अभी 10 मिनट साइड में छोड़ देती हूँ। फिलिंग्स के लिए एक पैन में एक चम्मच ऑयल ऐड कर दिया, ऑयल गर्म होते जीरा ऐड कर देती हूँ। और साथ में जो जिंजर और ग्रीन चिली लिया था वो भी ऐड कर दिया। साथ में ग्रीन चिली लिया, जो ड्राई मसाले लिए वो भी ऐड कर दिया और लो फ्लेम में सारे मसाला के साथ ग्रीन पीस को 2 मिनट फ्राई कर लूंगी। और जो बॉयल पोटैटो लिया वो भी ऐड कर देती हूँ ऐसे हाथों से क्रश करके, और सारे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। सारे मसाले के साथ आलू को ऐसे मैश करते हुए मिक्स कर लिया। फिलिंग्स तैयार हो गया, अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। फिलिंग्स ठंडा हो गया और आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया, और एक बार मल के तैयार कर लेती हूँ। अभी छोटा छोटा बॉल्स बना लेती हूँ। सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिया और जो स्टफिंग बनाया था उसका भी छोटा छोटा बॉल्स तैयार कर लूंगी। ऐसे सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे बॉल्स बना लिया, सेम क्वांटिटी में बनाया। देखिए जितना मैदा का बॉल हुआ उतना ही स्टफिंग का बॉल हुआ, और सेम क्वांटिटी स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा देने से बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसे कटोरा का जैसे शेप पहले दे देने का और एक स्टॉपिंग लेके ऐसे दबाते हुए अच्छी तरह से बंद कर देने का। ये बहुत ही कम ऑयल में अपम मेकर में आज बना के आप लोग को दिखाऊंगी। तो देखिए ऐसे बना के एक कचौरी बना लिया, सेम दूसरा कचौरी भी, और एक बार दिखा देती हूँ। बहुत ही इजी से बना सकते हैं। पहले एक बाउल जैसे बना लेने का और एक स्टॉपिंग लेके अंदर के तरफ भरते हुए सारे मुख को ऐसे बंद कर देने का अच्छी तरह से। ऐसे तो ऑयल ख़राब नहीं होगा क्योंकि अपम मेकर में बहुत ही कम ऑयल में बनेगा। थोड़ा सा भी ये रहेगा तो ऐसे दबाते हुए अच्छी तरह से बंद कर देने का। सारे कचौरी ऐसे बना लेती हूँ। सारे आलू की कचौरी बना के रेडी किया, चलते हैं फ्राइंग के लिए। आज बहुत ही कम ऑयल में अपम मेकर में आज कचौरी बनाऊंगी, तो आधा चम्मच करके ऑयल ऐड कर दिया और ऐसे सारे अपम का ऐड कर देती हूँ। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने को बाद फ्लिप करूंगी। और ढक के 5 मिनट रख देती हूँ। अब लिड खोल के
देखिए आधा चम्मच ऑयल में बहुत ही अच्छी तरह से कचौरी फ्राई हो रहा है। ऐसे अच्छी तरह से फ्लिप कर लेती हूँ और चारों साइड क्रिस्पी होने तक, कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी। ऐसे पलट पलट के चारों साइड अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक कचौरी को फ्राई कर लिया बहुत ही कम ऑयल में। ऐसे अपम में कर ले क्रिस्पी क्रिस्पी आलू की कचौरी बना सकते हैं। अभी गैस बंद करके डिश आउट कर लेती हूँ। एक कचौरी कट के भी दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है, देख ही सकते हैं। काटने का जरूरत नहीं, अपने आप ही इतना क्रिस्पी बना, बहुत ही अच्छा बना है। टेस्टी क्रिस्पी आलू की कचौरी बहुत ही कम ऑयल में बनाया अपम मेकर में। ऐसे बना के आप लोग एंजॉय कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।